नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर के बारे में, ये क्या होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो दोनों टर्म आपस में जुड़ी हुई हैं, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमें पता होनी चाहिए वो क्या होती है, तभी हम मोबिलिटी को समझ पाएंगे। वैसे अगर मोबिलिटी की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है करंट के लिए, यानी कि इसी के कारण से करंट प्रोड्यूस होता है, करंट पैदा होता है। वो क्यों होता है, चलिए उसको जान लेते हैं, जो मोबिलिटी है। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, अगर हम उसको देखें रूम टेम्परेचर के ऊपर, जो इसके चार्ज कैरियर हैं, जैसे कंडक्टर की बात करें तो उसके अंदर काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो अगर नेट फ्लो ऑफ चार्ज देखेंगे वहां पर जीरो होता है, लेकिन अगर आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं इसको, मान लीजिए इस तरफ पॉजिटिव एंड आपने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरफ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो है डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। और इस डेफिनेट डेफिनेट जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की, इस डेफिनेट डायरेक्शन के कारण ही जो करंट है वो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अब ये डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नेट फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पर हो जाता है, कुछ ना कुछ होगा, तो वही जो है करंट को बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आती है, वो कंसेप्ट भी आता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा पॉजिटिव एंड की तरफ, तो वो बहुत सारे कोलिजन में आता है, किसके साथ, जो खुद के कंडक्टर के एटम या आयन होते हैं, तो वो पूरी अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करता है, फिर से वो उठता है, फिर से गेन करता है एनर्जी, फिर से कोलिजन होता है, इस तरह से कर करके वो दोबारा से यहाँ पॉजिटिव एंड तक पहुंचता है। और ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है, तो उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते थे जब हम एक्सटर्नल फील्ड उस पर अप्लाई करते थे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में भी हमें पता चल गया यहाँ से। अब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन के अंदर मूवमेंट हुई एक डेफिनेट डायरेक्शन में, तभी तो करंट प्रोड्यूस हुआ, तो इसलिए हम बोलते हैं जो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर है, जैसे यहाँ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है करंट के लिए। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो होल्स भी हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर कैरियर है तो उसके कारण से भी अगर वो मोबाइल होंगे तो तब भी जो है करंट प्रोड्यूस होगा, तो चार्ज कैरियर कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे चार्ज कैरियर बोला है, ना इलेक्ट्रॉन ना ही पॉजिटिव चार्ज का नाम लिया, ना ही नेगेटिव चार्ज का। तो यहाँ पर अगर आप मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं तो वो हो जाती है हमारी म्यू से आप इसको डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो पर यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का क्या मतलब है, अब मान लीजिए यहाँ पर आप 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो 12 वोल्ट के हिसाब से होगी, अगर आप 24 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो वो उस हिसाब से होगी, अगर 36 वोल्ट की लगाते हैं तो वो उस हिसाब से होगी। यानी कि अगर स्ट्रेंथ की बात करें, जितनी ज्यादा आप वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ की यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव जो टर्मिनल है या पॉजिटिव एंड कहीं वो अट्रैक्ट करेगा, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है पर यूनिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। तो जो हमारी मोबिलिटी ऑफ चार्ज है उसको अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट है, और इसको अगर आप डिफाइन करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ मोबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो म्यू है वीडी बाय ई है, यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, और वीडी की जो वैल्यू है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू वो हमारे पास क्या होती है, ई ईटाओ डिवाइड बाय एम, तो ये होती है, और यहाँ पर डिवाइड बाय ई है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। जैसे कि हमने फिगर को समझा था कि कोई भी कनेक्टर है उसको बैटरी से जोड़ दिया, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल है, तो जो भी चार्ज कैरियर आप लेंगे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा, तो ये हमें पता है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला ई टाउ बाय एम है, जो कि हमने यहाँ पर पुट किया है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाती है हमारे पास ई टाउ बाय एम, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है जो मोबिलिटी है चार्ज कैरियर की। यहाँ पर चार्ज कैरियर कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है यानी कि जो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ ई की जगह हम क्यू पुट कर देंगे, क्यू टाउ बाय एम पुट कर देंगे। अब ये क्यू जो है ये चार्ज कैरियर है, आप यहाँ ई लिखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा टाओ है ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन,
जो भी हमारा चार्ज कैरियर होगा। अगर हम जो चार्ज कैरियर की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो वो जो है हमारा ड्रिफ्ट होता है पॉजिटिव चार्ज की, जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगा तो वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होगा, तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या टाउ बाई एम हमारे पास जो मोबिलिटी आ जाती है किसी भी चार्ज कैरियर की। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ई टाउ ई डिवाइड बाई एम ई। अब यही रिलेशन है, बस यहाँ क्यू की जगह हमने ई पुट कर दिया, या टाउ ई और एम ई। ये जो टाउ ई है ये हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन के लिए, एम ई जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और ई जो है चार्ज है। जो भी चार्ज कैरियर आप ले रहे हैं वो ई है। इसी तरह से अगर आप होल के लिए इसको लिखना चाहें तो ई टाउ एच डिवाइड बाय एम एच आप इसको कर देंगे। तो यहाँ पर जो टाउ एच है रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है होल्स के लिए, और एम एच जो है मास ऑफ द होल है। तो इस तरह से, और जो ई है वो चार्ज है, जो भी चार्ज कैरियर आपने लिया जैसे होल को लिया। अब जो मोबिलिटी होती है पॉजिटिव के लिए अगर हम बात करें, और जो यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए और जो नेगेटिव चार्ज हमने लिया है, तो ये दोनों के लिए ही पॉजिटिव होती है। देखिए इसकी जो वैल्यू है दोनों के लिए ही पॉजिटिव है, लेकिन इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो अपोजिट होती है। अगर हम चार्ज कैरियर की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को चार्ज कैरियर ले रहे हैं तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अगर आप पॉजिटिव को चार्ज कैरियर ले रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं होल्स हैं उनको चार्ज कैरियर ले रहे हैं, तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरफ होगी, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। तो इसलिए जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनकी अपोजिट टू ईच अदर होती है, लेकिन अगर मोबिलिटी की बात करें तो वो पॉजिटिव ही रहती है। दोनों जो करंट कैरियर हैं हमारे, तो उनके लिए मोबिलिटी पॉजिटिव ही रहेगी। अब अगर हम एक केस ले लें, मान लीजिए एक कंडक्टर है और उसके अंदर दोनों ही हमारे चार्ज कैरियर हैं, प्लस भी है और माइनस भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी है। अब इस केस के लिए क्या होगा, अब हमें पता है, मान लीजिए अगर आप इस तरह से इसको दो टर्मिनल दे देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वो हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ये भी हमें पता है। तो यहां पर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो होगी, जिस तरफ पॉजिटिव चलेंगे उसी तरफ हम लेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट चलेंगे तो वो भी यही डायरेक्शन हम लेते हैं कन्वेंशनल करंट की, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लेते हैं और पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ चलते हैं तो वही हम लेते हैं। तो इस केस के लिए जहां पर दोनों ही हमारे चार्ज कैरियर हों, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो टोटल जो करंट है अगर हम बात करेंगे तो वो इन दोनों का सम हो जाएगा। अगर हम कैलकुलेट करेंगे जो टोटल करंट को, पॉजिटिव चार्ज कैरियर और जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है, तो इन दोनों के करंट का सम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है अगर कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव तो उसी तरफ जा रहा है और कन्वेंशनल करंट को इलेक्ट्रॉन के हम अपोजिट लेते हैं, जो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनकी अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं, तो यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर है, तो वहां पर जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी म्यू ई इंटू ई। तो जैसे कि ये फॉर्मूला था हमारा, अगर यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम निकालें इलेक्ट्रॉन के केस में, तो म्यू ई इंटू ई ये हमारे पास हो जाएगी उस केस के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन को हम ले रहे हैं कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर करंट कैरियर, तो इसीलिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप SI यूनिट की बात करें, यू मोबिलिटी की SI यूनिट होती है। अब देखिए यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि जो हमारी वेलोसिटी है एक तरह से, तो वेलोसिटी की हमें पता है यूनिट क्या होती है, एक तरह से मीटर पर सेकंड। और जो ई होता है ये हमारा किसके बराबर होता है, वी बाय एल कह लीजिए या डिस्टेंस कह लीजिए, यानी कि वी बाय एम आप इसको लिख सकते हैं मीटर के अंदर। तो ये एम बाय एस, यहाँ पर अगर हम करें इसको, एम बाय एस आ जाता है और वी बाय एम आ जाता है। तो यहाँ पर जो एम ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वेयर, और एस नीचे आ जाएगा, वी और एस आ जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वेयर बाय जो हमारा वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, और एस जो है हमारे पास पर सेकंड जो है, ये इसकी यूनिट आ जाती है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वेयर वी की माइनस वन और एस की माइनस वन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी SI यूनिट होती है जो मोबिलिटी होती है उसकी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।